उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। उत्तराखंड से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ लगनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात भी की। ऐसे में लगातार ये सवाल बना हुआ है कि सीएम कौन होगा उत्तराखंड का, और कई तरीके के कयास भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अटकलें भी सामने आ रही हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि रेस में आगे भी चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो दौड़ इस समय नेताओं की शुरू हुई है वो कुछ बयां भी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है, और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उत्तराखंड से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। कुछ नाम है जो आगे चल रहे हैं, और इसी बीच उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। साथ ही आपको ये बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस समय बीजेपी के पास कई ऐसी चुनौतियां हैं, जैसा कि विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया है कि सीएम चेहरा बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसा नहीं है जो कि 5 साल तक चले, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा विपक्ष की ओर से राजनीति लगातार इस मामले को लेकर की गई है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि कोई ऐसा सीएम फेस चुना जाए जो कि 5 सालों तक संगठन को एक साथ लेकर चले। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार मित्र टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए वो आए, उन सभी पर चर्चा है यहाँ पर। क्या कुछ रहने वाला है सीएम को लेकर के, क्या आज मोहर लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर के? देखिए, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करता है। सर, ये इंडिविजुअल मुलाकात है या सब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और संतोष जी एक साथ आप लोग मिलेंगे? नहीं, बैठक है। देखिए, बैठक मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव बहुत सारे चेहरे हमारे पास, आप रेस में हैं, आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे, जो सुझाव आप लोग देंगे बढ़ा देंगे आगे। नहीं सर, आप 4 साल आपने सरकार बहुत अच्छे से चलाया, आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपकी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो उसका 4 साल अच्छी सरकार चलाई तो जनता ने उसका फैसला दे दिया है। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो चली है, और इसी बीच बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा। बीजेपी की ओर से इस मिथक को तोड़ा गया है और एक बार फिर से बीजेपी ने मिशन रिपीट किया है, और बीजेपी की ओर से लगातार जनता से वादा किया जा रहा था कि विकास होगा, लेकिन इसी बीच विपक्ष लगातार ये कहता भी आया है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ऐसा चेहरा वो होना चाहिए जो कि संगठन को साथ लेकर चले, क्योंकि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में हमने देखा किस तरीके से जो नाम है उनमें बदलाव भी हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी आलाकमान भी इसे लेकर काफी संजीदा नजर आ रहा है। पर्यवेक्षक राज्य के लिए नियुक्त जो किए गए थे वो लगातार राज्य में दौरा कर रहे हैं और जो संभावनाएं हैं उन्हें भाप रहे हैं। शाम को बैठेंगे तो 11 बजे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मुलाकात भी की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात भी की है। ऐसे में कई तरीके के सवाल फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ एक और खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर 21 या 22 मार्च को होगी विधानमंडल की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होनी थी, कुछ विधायकों के ना होने के चलते तारीख में बदलाव हुआ। विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कुछ विधायकों के ना होने के चलते तारीखों में बदलाव हुआ है। पहले ये बैठक होनी थी और इसके बाद मुहर लगनी थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा उनके नाम पर, लेकिन अब ये बैठक 21-22 मार्च को होगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। नासिर, तमाम अटकलों के बीच, तमाम कयासों के बीच लगातार
यही सवाल बना हुआ है कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। ऐसे में जो नेताओं की दौड़ लगनी दिल्ली के लिए शुरू हुई है, वो क्या बयां कर रही है? देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, और चूंकि 10 मार्च को रिजल्ट आ चुका है और तब से लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि होली के बाद जो विधानमंडल की दल की बैठक है वो देहरादून में होगी, लेकिन पहले 19 तारीख को कहा गया, फिर उसके बाद 20 तारीख को कहा गया, लेकिन आज 20 तारीख को ये बैठक देहरादून में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो दिल्ली में तमाम नेताओं को बुलाया गया, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनको दिल्ली में बुलाया गया है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको दिल्ली बुलाया गया है, सांसद अजय भट्ट उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो तमाम लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, उसके बाद जो अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसका नाम हो सकता है, लेकिन क्या कारण है कि जो बैठक देहरादून में होनी थी वो बैठक अब दिल्ली में हो रही है, हालांकि जो विधानमंडल दल की बैठक है वो आज होनी थी, उसके लिए भी समय बदल दिया गया है, अब 21-22 तारीख को उस बैठक को किया जाना है। क्या कारण है कि क्यों मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही थी कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हालांकि वो अपनी सीट हार गए हैं, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो सीट हार गए, शायद इस वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाने में कठिनाई आ रही है। इसके अलावा कई बड़े दावेदार भी हैं जो लगातार फहरिस्त में हैं और जो लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, हालांकि खुले रूप से कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो तमाम नेता हैं, जो एक लंबी फहरिस्त है, 5 से 6 नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और उनके नाम चर्चाओं में भी हैं। अब दिल्ली में जो आज कई मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है, उसमें किस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या कुछ होता है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज का दिन भी निकल गया है, यानी आज का दिन भी कोई किस तरह कोई बैठक देहरादून में नहीं होने वाली है। जब तक विधानमंडल दल की बैठक नहीं होती है, पर्यवेक्षक नहीं आते हैं, राजकुमारी नहीं होती है, तब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होगा। कल का दिन शायद बैठक के लिए रखा जा सकता है, और उसके लिए अब तमाम जो नेता दिल्ली गए हुए हैं वो कब वहां से वापस लौट कर आते हैं और कब विधानमंडल दल की बैठक होती है, इसका इंतजार सबको है। जी बिल्कुल नासिर, देखिए कुल मिलाकर इस समय अगर स्थिति को समझा जाए तो भले ही सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी को काफी वक्त लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रह सकती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा जब मुख्यमंत्री के चेहरे बदले जाते थे तो विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरता नजर आता था। हो सकता है कि बीजेपी अब ये सोच समझ कर फैसला करना चाहती हो जो 5 साल तक बीजेपी संगठन की डोर को अच्छे से संभाले। देखिए, नतीजे आए हुए 10 दिन गुजर चुके हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी देरी कर रही तो जाहिर तौर पर उसके पीछे का कारण यही हो सकता है कि बीजेपी सोच समझ कर एक ऐसा फैसला लेना चाहती है ताकि उस फैसले पर सवाल ना उठे, यानी जो भी मुख्यमंत्री बने वो पूरे अपने 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करे और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले, क्योंकि पिछले जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, विपक्ष ने तमाम निशाना सरकार पर साधता रहा और सवाल उठाता रहा। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है कि 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी नहीं कर पा रही है, चयन नहीं कर पा रही है मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ अंदरूनी गुटबाजी हो सकती है। लेकिन बीजेपी अगर सोच समझकर फैसला लेना चाहती है तो ऐसे व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कि जो व्यक्ति राज्य सरकार में रहते हुए अच्छे काम भी करे और उसके कामकाज पर सवाल भी ना उठे, और जो जिस तरीके का फैसला बीजेपी को पहले लेना पड़ा था, बीच में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा था, ऐसा फिर ना हो। बिल्कुल नासिर, देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक और इससे जुड़ी बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस जहां बरकरार है, वहीं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रेखा आर्य ने अपना बयान दिया। रेखा आर्य ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का समर्थन किया है, एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, रेखा आर्य की ओर से कहा गया। इस प्रकार का मुझे बिल्कुल ये लगता है कि जिन्होंने 6 महीने सरकार को संभाला और 6 महीने संभालने के बाद में एक बड़ा मिथ था कि जिनकी सरकारें पहले बनी होती है दोबारा वो लौट कर नहीं आती है,
इस प्रकार का मिथ बना हुआ था, और मुझे लगता है कि उस मिथ को तोड़ने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको तय भी किया, और 47 सीटों के साथ में हम लौट के भी आए हैं। हर मामलों में एक अपवाद होता है, और मुझे लगता है कि उनके मामले में भी एक अपवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि वो बनते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और एक युवा मुख्यमंत्री हैं, एक अवसर, क्योंकि पिछले समय भी उनको समय कम मिला था, एक अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहूंगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर आलाकमान का जो फैसला होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले तमाम नेताओं की ओर से उनके समर्थित नेता का नाम जरूर आगे आने लगा है। नासिर हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं, तो अब उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नासिर, देखिए कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, सबसे बड़ा सवाल ये, और इस सवाल के जवाब के लिए बीजेपी आलाकमान के निर्देशों को देखना होगा कि आदेश उनकी ओर से दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जो नेताओं की ओर से अपने समर्थित नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, लेकिन इससे पहले जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। जो उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेता चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बने। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके भी जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थक चाहते हैं। हालांकि एक बात ये भी सामने निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने का जो कार्यकाल है उसमें जो कामकाज किया उसको काफ़ी सराहा गया है, और उसी का नतीजा है कि 47 सीटों का मैंडेट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि वो अपनी सीट हार गए हैं, ये एक निगेटिव पॉइंट उनके साथ जरूर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 6 महीने में कामकाज किया और 6 महीने बिल्कुल नासिर, तो आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर भी हम बता देते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर देखिए इस समय पूरी कोशिश की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो वो एक ऐसा नाम हो जिसे समर्थन मिले तमाम विधायकों का, बीजेपी के और जनता का भी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भव्य और दिव्य होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। भव्य और दिव्य होगा नई सरकार के सीएम का शपथ ग्रहण। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने संगठन के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम का शपथ ग्रहण समारोह दिव्य और भव्य होगा। भले अभी कौन नाम होगा, कौन सा चेहरा होगा, इसका इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन भव्य और दिव्य होने वाला है ये समारोह, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक, कल सुबह 11 बजे सभी विधायक शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल सुबह 11 बजे का समय है जब तमाम विधायक शपथ लेंगे, और इसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल सुबह विधायक शपथ लेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो वापस नासिर के पास चलते हैं। नासिर, कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, और उससे पहले विधायक दल की बैठक से पहले जो शपथ ग्रहण भी समारोह रहने वाला है, लेकिन यहां पर फोकस जो किया जाएगा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पे, जिसे दिव्य और काफी ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश इस समय सरकार या फिर यूं कहें कि प्रशासन करता नजर आ रहा है। देखिए, 10 तारीख को नतीजे आए थे, उससे के बाद से लेकर अब तक जो विधायक हैं उनका शपथ नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो हो गई थी लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली थी। प्रोटेम स्पीकर सुबह शपथ लेंगे, और उसके बाद जितने भी विधायक यानी 70 के 70 जो विधायक हैं उनको विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी, और शपथ दिलाने क्योंकि सदस्य पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उसके बाद जब वो सदस्य पद की शपथ ले लेंगे, जो नेता विधायक है यानी विधायक दल का जो नेता है उसका चुना जाना है, इसके लिए विधायक दल की बैठक कल शाम को हो सकती है। हालांकि अभी समय तय नहीं हुआ किस वक्त होगी, लेकिन उम्मीद यह है कि कल शाम को विधायक दल की बैठक हो सकती है, और इसके लिए तैयारियां की जा रही है। साथ ही जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए भी लगातार बीजेपी तैयारी कर रही है। तमाम नेताओं की बैठकें हो चुकी हैं, तमाम नेताओं को जिम्मेदारी लगाई गई है कि जो एक मिथक टूटा है यानी
लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह उसका एक संदेश पूरे देश प्रदेश भर में जाए, देश में जाए, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही है और तमाम नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। यानी जैसे उद्योगपतियों को बुलाना है, नेताओं को बुलाना है, अलग अलग यूनियन के अध्यक्षों को बुलाना है, इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से जो मेहमान आने वाले हैं उनको बुलाने की तैयारी करनी है, केंद्रीय नेताओं को बुलाना है, तमाम लोगों की अलग अलग लोगों की लगाई गई है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की। लेकिन इसे लेकर प्रशासन किस प्लानिंग पर काम कर सकता है? देखिए, प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है, जिस तरीके के निर्देश शासन की तरफ से दिए जाएंगे प्रशासन के अधिकारियों को, वो उस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। चूंकि इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो राजभवन में नहीं होगा, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और अब वो जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो परेड मैदान में होगा, इसलिए परेड मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत ज्यादा समय प्रशासन के पास नहीं है, यही वजह है कि लगातार जो तैयारियां हैं वो तेजी के साथ की जा रही हैं। जल्दी वहां पर एक वो जो कहा जाए कि जो मैदान है उसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, और वहां पर जो स्टेज बनाया जाएगा जहां पर शपथ ली जाएगी उसकी तैयारियां की जा रही है, ताकि समय रहते तैयारियां पूरी कर ली जाए, और अगर कल शाम को विधायक दल की जो बैठक है उसमें निर्णय हो जाता है कौन मुख्यमंत्री बनता है, तो अगले दिन जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य और दिव्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के